गुड मॉर्निंग किड्स, जय श्री स्वामीनारायण। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी की नोटबुक नंबर 4 है। चलो अभी हम क्या सीख रहे हैं, हिंदी में स्वर सीख रहे हैं। चलो अभी हम रिवाइज करते हैं। अ से अनार, अ से अमरूद, फिर अ के बाद आ से आम, आ से आलू, फिर ई से इमरती, ई से इमली, ये क्या है बड़ाई, बड़ाई से ईद, ई से ईख। अभी आज हम क्या सीखने वाले हैं किड्स, ऊ। ऊ से उल्लू, ऊ से क्या होता है उल्लू, ऊ से उपहार। आपकी बर्थडे होती है तो आपको गिफ्ट मिलती है, वो गिफ्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपहार। ऊ से उपवन। तो किड्स ऊ कैसे बनाते हैं देखो मैं सिखाती हूँ आपको। जैसे हम थ्री बनाते थे ऐसे कव बनाना है, फिर दूसरा कव बनाना है, पर वो कव को ऐसे थोड़ा अप लेके जाना है। ये क्या हो गया, उसे उल्लू, उसे उल्लू। चलो अभी आपकी नोटबुक ओपन करो, उसमें ऐसी टू लाइन बनानी है, दो लाइन बना देनी है। अभी देखो मैम ने ये ड्रॉ किया है, उसे उल्लू, उसे उल्लू। चलो बोलना है और लिखना है आपको मेरे साथ। चलो लिखो, उसे उल्लू, उसे उल्लू। थोड़ा आप लेके जाना है नीचे वाले को, उसको उसे उल्लू, उसे उल्लू, उसे उल्लू, उसे उपहार, उसे उपहार। फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई, पूरी फिनिश हो गई। अभी सेकंड रो में जाते हैं, उसे उल्लू, उसे उपवन, उसे उपहार। से एंड राइट बोलना भी है और लिखना भी है तो ही आएगा आपको, उसे उल्लू, उसे उल्लू, उसे उपहार, उसे उपहार। चलो अभी थर्ड रो, उसे उल्लू, उसे उल्लू, उसे उपहार, उसे उपवन। उपवन मीन्स क्या है पता है आपको, जो गार्डन होता है ना उसको उपवन बोलते हैं हिंदी में। उसे उपवन, उसे उपहार, उसे उल्लू, उसे उल्लू। किड्स आज हमने क्या सीखा, उसे उल्लू। उसके बाद वाला पेज है, वहां पे आपको पूरा होमवर्क करना है। बाय बाय किड्स।